वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमएलटी अड्डा पे। तो आज हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 4000 एमसीक्यूज का चौथा पार्ट लेके आ चुका हूँ फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 120 तक हमारा पार्ट थर्ड तक आ चुका है, तो पार्ट फोर्थ स्टार्ट करना है 121 से लेके 160 तक फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को, और अगर मेरे चैनल पसंद आते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा लीजिए और आल के नोटिफिकेशन को दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो का सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। चलिए समय को ज़्यादा खींचते नहीं हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, जेरिच हेरिग्जिमर रिएक्शन इज कॉमन इन, ऑप्शन नंबर ए कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, बी प्राइमरी सिफिलिस, सी सेकेंडरी सिफिलिस एंड डी टेरटायरी सिफिलिस। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर बी है, प्राइमरी सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लाइम डिजीज इज कॉस्ड बाय, लाइम डिजीज किसके कारण होता है, बोरेलिया विनेसेंटी, बोरेलिया बुर्गोडोफेरी, बोरेलिया रिकरेंटिस एंड लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस। तो लाइम जो डिजीज होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सार्स वायरस इज अ कोरोना वायरस, लेंटी वायरस, कैल्सी वायरस या एरिना वायरस। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर ए कोरोना वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कैन बी यूज टू मलेरिया, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोक्विन, बी एल्बेंडाजोल, सी एटीन्यूटेड वैक्सीन एंड डी क्लोराफेरिंस। तो जो एजेंट कैन बी यूज मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है, तो वह है क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड इज टाइफॉइड, ए जो इंक्यूबेशन उद्भवन अवधि होती है 3 से 21 दिन, 10 से 30 दिन, 1 से 3 महीना या 3 से 6 महीना। तो टाइफाइड को उद्भवन अवधि 3 से 21 दिनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का रूट कौन सा होता है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, पर ओरल या इंट्रा नेजल। तो फ्रेंड्स, इसको इनहेल कराया जाता है, इसलिए इसका आंसर नंबर डी आएगा, इंट्रा नेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक H1N1, तो इन्फ्लुएंजा का जो कारक होता है वह H1N1 के नाम से जाना जाता है, 12 to 24 hours, 1 to 3 days, 1 to 7 days या फिर 5 to 10 days। तो करेक्ट आंसर नंबर सी है, 1 to 7 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स, मम्स के इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है, 1 to 7, 7 to 14, 12 to 20 days, 24 days या फिर 21 to 28 days। करेक्ट आंसर नंबर सी है, 12 to 24 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ओरल पोलियो वैक्सीन विच इज यूज नाउ अ डेज, ऑप्शन नंबर ए कैप्रो वास्की, बी कॉक्स, सी सॉक एंड डी सेविन। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर डी सेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअल डोज ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेराइवेट्स इन मॉन्टुक टेस्ट, जो मॉन्टुक टेस्ट में देते हैं तो कितना डोज होता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 50 यूनिट्स या फिर 100 इंटरनेशनल यूनिट या फिर 500 इंटरनेशनल यूनिट। जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर ए 5 इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है, PPD जिसको बोलते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नियल बेडिंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेप्रोसी, एड्स, हर्पिस सिंप्लेक्स केराटाइटिस एंड एकेंथेमोविया केराटाइटिस। तो जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर ए है, लेप्रोसी पे कॉर्निया बेडिंग हो जाती है, जो आंखों पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा थोरेसिक टीवी इन चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन पे जो एक्स्ट्रा थोरेसिक टीवी होता है तो कहाँ, लिम्फ नोड में, स्केलेटन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर हर्ट्स में। तो करेक्ट आंसर नंबर ए है, लिम्फ नोड में होता है एक्स्ट्रा थोरेसिक टीवी, जो बच्चों पे होता है।
मांटूक टेस्ट में जो पॉजिटिव होती है, और इन ड्यूरेशन मेजरिंग, तो जब मांटूक टेस्ट में पीडपीडी जो इंजेक्ट करते हैं उसके 48 टू 72 आवर्स के बाद में 48 से 72 घंटे में इसका इंक्यूबेशन सॉरी इंड्यूरेशन देखा जाता है, इन्फ्लामेशन इसमें देखा जाता है। तो जो डायमीटर होता है वह कितने एमएम का होता है, तो पॉजिटिव माना जाता है। तो इसमें है 10 एमएम, 6 to 9 एमएम, अंडर 5 एमएम या फिर 20 एमएम से भी अधिक। तो जिसका जो करेक्ट आंसर नंबर ए है फ्रेंड्स, जब 10 एमएम का बनता है तो वह पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉटुलिज्म इंटॉक्सिकेशन ऑकर्स ड्यू टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट एन एंडोटॉक्सिन, बी एन एक्सोटॉक्सिन, एन सी न्यूरोटॉक्सिन, एन डी माइकोटॉक्सिन। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर सी है, न्यूरोटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एओर्टा अराइज फ्रॉम, तो एओर्टा कहाँ से अराइज होता है, राइट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो हमारे हृदय के कौन से पार्ट से एओर्टा निकलता है, तो वो इसका करेक्ट आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज, एंजाइम का पोर्शन एपोन जाइम प्रोथेटिक ग्रुप को फैक्टर या फिर को एंजाइम। तो जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, एपो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट अ डब्ल्यू बी सी, तो इसमें से कौन सा जो सेल है वह डब्ल्यू बी सी अर्थात वाइट ब्लड सेल नहीं है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर डी, थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलरिंग एजेंट यूज इन एंटीसीरा ए बी इज, तो एंटीसीरा जो ए बी होता है उसमें कौन सा कलर एजेंट करते हैं, मेथिलीन ब्लू, एक्री फ्लेविन, ईओसिन या फिर सेप्रानिन। तो करेक्ट आंसर नंबर सी है, ईओसिन का इस्तेमाल किया जाता है एंटीसीरा ए बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर फ्रेंड्स, नेम द एंटीकॉगुलेंट प्रेजेंट इन पर्पल कलर वैक्यू टेनर ट्यूब, तो जो वैक्यू कलर जो पर्पल कलर कंटेनर होता है उसमें कौन सा एंटीकॉगुलेंट होता है, हिपेरिन होता है, EDTA होता है, सोडियम साइट्रेट होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होती है, जो पर्पल कलर का हमारा वैक्यूम जो वायल होता है उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी है, EDTA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, pH ऑफ बफर डिस्टिल्ड वाटर यूज इन लिस्मन स्टेनिंग, लिस्मन स्टेनिंग में जो यूज़ करते हैं बफर वाटर डिस्टिल वाटर, उसका pH मान कितना होना चाहिए, 6.8, 7.2, 7.4 या फिर 8। करेक्ट आंसर नंबर ए, ब्लड कोलेट इन CPDA कैन बी स्टोर्ड इन ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर फॉर डेज, कितने दिनों के लिए जो CPDA बैग में जो हम कलेक्ट करके रहते हैं उसको कितने दिनों तक रखते हैं, 35, 28, 21 या फिर 25 दिन। तो करेक्ट आंसर नंबर ए है, 35 डेज CPDA बैग में रखते हैं। और CPDA जो बैग होता है फ्रेंड्स, इस बैग का जो नाम होता है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोस एंड एडिनिन, ये चार ऑप्शन मिले रहते हैं एंटीकॉगुलेंट में, इसीलिए इसका नाम CPDA बैग होता है, जो 350 ml ब्लड्स के लिए बनाया जाता है, जिसमें 49 ml एंटीकॉगुलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDN ड्यू टू RH इनकम्पेबिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई गिवेन NTD एंटीबॉडीज टू RH निगेटिव मदर विथ इन आवर्स ऑफ डिलीवरी ऑफ RH पॉजिटिव इन्फेंट, 48 आवर्स, 72 आवर्स, 24 आवर्स या फिर 36 आवर्स। करेक्ट आंसर नंबर बी, 72 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन RBC डाइल्यूटिंग फ्लूड, इसमें से RBC डाइल्यूटिंग फ्लूड नहीं है, नॉर्मल सलाइन, डेसिस फ्लूड एंड टुर्किस फ्लूज या फिर टोई सन्स फ्लूड। करेक्ट आंसर नंबर सी,
टुर्किस फ्लोट के अलावा सब आरबीसी डाइलेटिंग फ्लोट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ड्यूरिंग डोनर स्क्रीनिंग पर्सन हैविंग हिस्ट्री ऑफ मलेरिया शुड बी अवॉइडेड फॉर पीरियड ऑफ, कितने सालों के लिए उसको अवॉइड कर दिया जाता है जब अगर उसको स्क्रीनिंग किया जाता है कि वह मलेरिया से पीड़ित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर नंबर डी है, 3 साल के लिए इसको डोनर को अवॉइड किया जाता है, 3 सालों तक के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बॉम्बे ब्लड ग्रुप पर्सन हैव एंटीजन इन दियर ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर नंबर सी है, HAG। एच एंटीजन पाया जाता है, इसमें स्मॉल एच वाला आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्थ ऑफ इम्प्रूव्ड न्यू बोर काउंटिंग चेम्बर इज, तो न्यू बोर काउंटिंग चेम्बर होता है उसकी गहराई कितनी होती है। 0.1 mm, 0.01 mm, 0.001 mm या फिर 1 mm। एंड करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 0.1 mm। नेक्स्ट है, नेम द एंजाइम एस्टीमेशन डन इन सीमेन सैंपल टू एनालाइसिस द सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, एसिड फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द ओनली सेल इन नॉर्मल CSF इज, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिल, बी लिम्फोसाइट, सी मोनोसाइट एंड डी नॉन ऑफ द दिस। तो द ओनली सेल इन नॉर्मल CSF इज, नॉर्मल CSF में कौन सा सेल पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर बी, लिम्फोसाइट्स पाया जाता है। अगर न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है तो उस समय वह इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेम द टेस्ट यूज टू डिटेक्ट बाइल साल्ट इन यूरिन, यूरिन में बाइल साल्ट की टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, बेंजीडाइन फॉचेस्ट या फिर अर्लिक्स टेस्ट या हे टेस्ट। तो करेक्ट आंसर नंबर डी, हे टेस्ट किया जाता है जब डिटेक्ट किया जाता है बाइल साल्ट इन यूरिन में, बाइल साल्ट की उपस्थिति को पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर, ऑप्शन नंबर ए एसीटोन, बी बीटा हाइड्रोक्सीबुटिक एसिड, सी बोथ ए एंड डू एंड डी नॉन ऑफ दिस। एंड करेक्ट आंसर नंबर सी आएगा फ्रेंड्स, ये दोनों कीटोन बॉडीज के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है, नॉर्मल स्पर्म काउंट इज 80 to 160 मिलियन पर एमएल्स, 40 to 80 मिलियंस पर एमएल, 100 to 120 मिलियंस पर एमएल एंड 140 to 200 मिलियंस पर एमएल। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर नंबर ए है 80 to 160 मिलियंस पर एमएल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेम द हार्मोन्स डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी में, कौन सा हार्मोन्स डिटेक्ट किया जाता है, ADH, GH या TSH या फिर HCG। तो करेक्ट आंसर नंबर डी है HCG, ह्यूमन कॉर्नियोगोनेडोट्रॉफी हार्मोन्स होता है, आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन लेस देन 1.010 इंडिकेट्स, तो अगर इससे जो कम होता है तो डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटिक किटो एसिडोसिस या फिर नॉन ऑफ द एबव क्या दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर नंबर बी, डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट इज GCT, HbA1c, GTT या PBS। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, जो हमारा ग्लूकोज का मेमोरी टेस्ट था, लास्ट कुछ दिनों का एवरेज जो टेस्ट निकाला जाता है, हिस्ट्री निकाला जाता है, तो कौन सा टेस्ट होता है ग्लूकोज को ज्ञात करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी है, HbA1c का टेस्ट किया जाता है, जो लास्ट 90 डेज का तब ग्लूकोज का पता लगाया जाता है बॉडीज में ग्लूकोज कितना होता है। तो आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट नहीं है, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सिस्टेलिन सिस्टे
क्रिस्टेटिन सॉरी फ्रेंड सी एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी टोटल कोलेस्ट्रॉल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है, लुइस पाश्चर, रॉबर्ट कोच, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर एडवर्ड जेनर। तो जो करेक्ट आंसर नंबर ए है फ्रेंड्स, लुइस पाश्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आर एनालाइज्ड यूजिंग ए कैलोरीमीटर, बी फ्लेम फोटोमीटर, सी स्पेक्ट्रो फोटोमीटर एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर नंबर बी है फ्लेम फोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वान डेनबर्ग रिएक्शन इन यूज टू डिटेक्ट। तो वान डेनबर्ग जो रिएक्शन होता है किसके डिटेक्शन में यूज किया जाता है, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिया, सीरम बिलिरुबिन या फिर ब्लड ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर नंबर सी है सीरम बिलिरुबिन में वान डेनबर्ग रिएक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉबवेब अपीयरेंस ऑफ क्लॉट इन CSF इंडिकेट्स ए जॉन्डिस, बी हेमरेज, सी स्पाइनल कॉन्स्ट्रिक्शन, डी ट्यूबरकुलस मेनिनजाइटिस। जो करेक्ट आंसर नंबर डी है फ्रेंड्स, ट्यूबरकुलस मेनिनजाइटिस। तो जो कॉबवेब अपीयरेंस ऑफ क्लॉट इन CSF में जब क्लॉट पाया जाता है तो किसका इंडिकेशन है, तो ट्यूबरकुलस मेनिनजाइटिस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अदरवाइज नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, LDL, HDL, VLDL या फिर चिलोमाइक्रोन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है LDL अर्थात लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर नंबर आएगा फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर ए। तो फ्रेंड्स आज हमारा पार्ट फोर्थ यहीं समाप्त होता है, पार्ट फिफ्थ जिसमें लेके आऊँगा आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी लेके आना है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो मेरे को ज़रूर बताइए, अगर वीडियो पसंद नहीं आता है मेरे में कुछ कमी है तो उसको भी बताइए, मैं अपने इंग्लिश को थोड़ा और सुधार लाऊँगा फ्रेंड्स। और बार बार स्टडी करते करते अचानक से वर्ड्स मिस्टेक हो जाता है तो इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आप लोग को तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो फ्रेंड्स नए पार्ट्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।